नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 की। हम सबको मालूम है कि अगस्त में सुनवाई 370 की शुरू हुई थी। 2 अगस्त से डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू हुई थी और 5 सितंबर को ख़त्म हुई थी। 2 अगस्त से 5 सितंबर को अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 34 डेज आते हैं, लेकिन 34 डेज में शनिवार इतवार की छुट्टी थी और सोमवार और शुक्रवार को मिसलिनियस होती थी, यानी कि हफ्ते में 3 दिन सुनवाई। लेकिन बाद में जब आखिरी का समय था, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने जा रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी उसकी सुनवाई की थी और रेगुलर उसको लगा दिया था। हम सब इस इंतजार में है, पूरा देश इस इंतजार में है, क्योंकि आर्टिकल 370 राम मंदिर जैसा ही एक इशू है। राम मंदिर देश के अंदर का इशू है और 370 देश के अंदर का वो इशू है जिसको अलगाववादी देश के बाहर ले जाना चाहते हैं। देश के वो लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी तो कहते हैं, देश के वो लोग जो अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, लेकिन उनकी मंशा या उनकी इच्छाएं, उनका संपर्क सदैव विदेशियों के साथ रहता है। वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो देश में बाउंड्रीज को नहीं मानते, वो एक पार्टिकुलर रिलीजन का फेवर या तो फेवर करते हैं या उस पार्टिकुलर रिलीजन को कहीं ना कहीं मानते हैं। इस बात के लिए दोषी उनको मानते हैं जो भारत में हिंदू संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। वो लगातार कहते हैं कि जितना भी विवाद है, ये जितना भी जो कुछ भी चल रहा है, वो उन लोगों की वजह से चल रहा है जो हिंदू संस्कृति को भारत में स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ना ही आप हिंदू संस्कृति को स्थापित करेंगे, ना ही आप हिंदू कल्चर को भारत में डिमांड करेंगे, तो फिर मुस्लिम कल्चर या ईसाई कल्चर क्यों डिमांड करेगा। ईसाई और मुसलमान रिलीजन के पक्के हैं, कट्टर हैं, और यहाँ तक कट्टर हैं कि वो अलगाववाद आतंकवाद तक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग अलगाववाद आतंकवाद के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उनका मानना यह है कि आप उनको भड़काते क्यों हैं। आपको याद होगा कि भारत में शाहीन बाग, दिल्ली में शाहीन बाग का प्रकरण चल रहा था और कपिल मिश्रा, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, वो वहां पर गए और बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे। वो वहां पर गए और उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि रास्ता खुलवाओ, नहीं तो हम दूसरी तरफ जाम कर देंगे या हम इसमें फिर खुद ही आगे बढ़कर आएंगे। आप सोचिए कि दंगे हो गए और उन दंगों के लिए दोषी कपिल मिश्रा को ठहराया गया। ये कहा गया कि कपिल मिश्रा वहां धमकी देने क्यों गए थे, कपिल मिश्रा वहां ये क्यों कहने गए थे कि रास्ता खुलवा दीजिए। आप सोचकर देखो, भारत का एक समृद्ध नागरिक ये भी पुलिस से नहीं कह सकता कि रास्ता खुलवा दीजिए। वो डिमांड करते रहें, वो डिमांड करें कि पाकिस्तान से जो मुसलमान आए हैं उनको नागरिकता दीजिए, वो डिमांड करते रहें कि पाकिस्तान में जो लोग परसिक्यूटेड, तथाकथित परसिक्यूटेड हैं, उनको भारत में स्थान दीजिए, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि जिन लोगों, जो हिंदू वहां पर रह रहे थे पाकिस्तान में, जिनको 47 में आ जाना चाहिए था, उनको भारत में निवासिता दी जाए। आप सोचकर देखिए कि 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में कानूनन ये कानून पास किया गया था। आप बड़े ध्यान से उसको सुनिए कि कानूनन ये कानून पास किया गया था कि जो लोग इस तरफ रहते हैं वो मुसलमान वहां पाकिस्तान में जाएंगे और उधर जो हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे। टू नेशन थ्योरी 1946 में ही आ गई थी और बाद में 1947 में टू नेशन थ्योरी को लेकर उस समय हिस्सेबाटी हो गई, अब बाउंड्री तय हो गई। सारे मुसलमानों को जाना था, सारे हिंदुओं को आना था, सब मुसलमानों को जिनको वहां जाना था उनके, अब चूंकि ये तो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ब्रिटिश पॉलिसी के ऊपर, अब जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए तो उसके बाद भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार चाहे तो कोई भी एग्रीमेंट कर ले, अभी भी कर सकती है। अब कोई भी एग्रीमेंट कर ले, उसमें नेहरुलिया का समझौता हो गया, नेहरुलिया का समझौता दिल्ली में साइन हुआ और दिल्ली में नेहरुलिया का समझौते में ये तय हुआ कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं उनको भारत संरक्षित करेगा, केवल रहने नहीं देगा, उनको संरक्षित भी करेगा, और जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान संरक्षित करेगा। आप सोचिए कि पाकिस्तान ने कितना संरक्षण दिया, हम सब जानते हैं। वहां पर रहने वाले लोग जो कि वहां रह रहे थे, उनको वो 9% 10% आबादी और बांग्लादेश की साइड में 28% आबादी, ये आबादी को कहीं न कहीं समाप्त कर दिया गया। आज वहां 2-3% लोग रह गए, बांग्लादेश में जरूर 8% लोग हैं जहां 28% हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान में सब खत्म कर दिए गए 2-2.5%। आपको अक्सर वहां पर मंदिर तोड़ने की खबरें मिलती हैं, वहाँ ट्रस्टें खत्म करने की खबरें मिलती हैं, वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ जबरन बलात्कार की खबरें मिलती हैं और दुनिया भर का रहता है।
आप सोचिए कि वो सब कुछ वहां पर होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। उस हमले में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 1,23,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कब्जा कर लिया। बाकी का 1,01,000 किलोमीटर हमारे पास बचा। लेकिन ये परिस्थितियां क्या कह रही थी, आप सोचिए कि परिस्थिति क्या कह रही थी। परिस्थिति ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। उस समय माउंटबेटन को चूंकि नेहरू जी ने स्पेशली गवर्नर जनरल बनाकर रखा था, आवश्यक नहीं था कि माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहें, क्योंकि पाकिस्तान ने तो गवर्नर जनरल अपना बना लिया था, हिंदुस्तान को भी अपना बनाना था। लेकिन नेहरू जी को माउंटबेटन बहुत अच्छे लग रहे थे। माउंटबेटन के साथ उनकी कम्युनिकेशन भी हुआ। कम्युनिकेशन में माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें राष्ट्रपति भवन खान निकलना पड़ेगा। तो उस समय का गवर्नर जनरल हाउस हुआ करता था। नेहरू जी ने कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम आपको गवर्नर जनरल बनाकर यहां पर रखेंगे और गवर्नर जनरल के ना होने के नाते आप गवर्नर जनरल के हाउस में रहेंगे। भले भारत स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन आपको हम पूरा सम्मान देंगे। माउंटबेटन को पूरा सम्मान दिया गया। माउंटबेटन को ये जो सम्मान दिया गया नेहरू के द्वारा, नेहरू के समय पर ही ये सारी बवाल पड़ा और भारत नेहरू लिया का समझौता हो गया। आप सोचिए कि भारत कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा था, भारत में क्या क्या हुआ। खैर, नेहरू जी की एक और उपलब्धि ये थी कि उन्होंने आर्टिकल 370 जबरदस्ती 306 कैपिटल ए हुआ करता था, वो भी 17 अक्टूबर सन 1949 को। आप सोचिए कि 17 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लगभग कंप्लीट हो चुका था, जबकि अधिमिलन तो 26 अक्टूबर सन 1947 को ही हो गया था। और 26 अक्टूबर 1947 से लेकर और 17 अक्टूबर 1949 यानी कि 3 वर्षों तक कोई बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई लगभग 2 वर्ष। और जब कोई बात नहीं हुई 370 को लेकर, तो फिर 370 कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद अचानक रख दिया गया। अचानक रखकर कंडीशनें बता दी गई, भाई ये वहां पर कंडीशनें हैं और पाकिस्तान का हमला हो गया, पाकिस्तान के कब्जे में है, भाई बंटवारे में है, यूएनओ में हम इंटेंगल्ड हैं, वहां आधे लोग इधर आधे लोग उधर फंस गए हैं, इसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू करना वहां ठीक नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है तो स्टेप बाय स्टेप लागू करना है, और स्टेप भारत सरकार लेगी, जम्मू कश्मीर से पूछ लेगी, जम्मू कश्मीर में जो सरकार होगी उससे बात करके वो स्टेप लेगी और उन स्टेपों के अनुसार ही हम उनको बसाएंगे, वहां वापस भेजेंगे। ये सब कुछ उस समय हुआ। आप सोचकर देखो कि इन सब परिस्थितियों में क्या गुजरी होगी भारत के लोगों पर, क्या उन पर गुजरी होगी जो वहां पर रहते हैं, क्या उन पर गुजरी होगी जो जम्मू कश्मीर पर रहते हैं। लेकिन साहब हो गया, होने के बाद 370 बना दिया गया और ये कहा गया कि धीरे धीरे लागू करेंगे। इसका लाभ लेते हुए नेहरू जी ने उस समय एक चिट्ठी लिख दी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट से कहा कि हम 35 कैपिटल ए लागू करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा कि भाई कई आर्टिकल नया बनाने की पावर 370 में है क्या। 370 में मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ पूरे संविधान को वहां लागू करने की तो पावर है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि हमें ये शक्ति दे दे कि नहीं साहब हम वहां नया आर्टिकल बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेहरू जी ने उनको कहा कि ये ऑफिशियल बातें हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये लेटर भी ऑफिशियल नहीं, ये दोनों ऑफिशियल लेटर हैं, अनऑफिशियली दोनों के बीच में क्या बात हुई और साइन हो गया। 35 कैपिटल ए वहां पर दे दिया गया, जिसने जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को नागरिकता से ही वंचित कर दिया, जम्मू कश्मीर में निवासिता से वंचित कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को वंचित कर दिया, दलितों को वंचित कर दिया, महिलाओं को वंचित कर दिया, ओबीसी को वंचित कर दिया, गोरखाओं को वंचित कर दिया, हिंदू जो बाकी के गए थे उनको वंचित कर दिया। आप सोचिए कि 1957 में ये सब कुछ हुआ, 1957 में। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहरू जी करना क्या चाहते हैं। लेकिन आर्टिकल टेम्पररी था क्योंकि टेम्पररी पोजीशन थी। सुप्रीम कोर्ट में जब 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 केंद्र सरकार ने इसको हटाया, तो हटाते समय सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो गया। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुआ वो ये कहां कहां कपिल सिब्बल साहब उनकी तरफ से प्रेजेंट हुए। और कपिल सिब्बल साहब तो आप जानते ही किस प्रकार की वार्ताएं करते हैं। कपिल सिब्बल ने तो हाल ही में कल असम को म्यांमार का हिस्सा बता दिया। उनको मालूम ही नहीं था कि असम का क्या स्टेटस था। और असम कभी कामरूप का हिस्सा हुआ करता था, कामरूप की राजधानी हुआ करती थी और कामरूप में वो पूरा क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आज वो वर्मा जिसको कह रहे हैं वो भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था।
राजधानी कामरूप की राजधानी असम ही हुआ करती थी। उनको शायद ज्ञान नहीं है या तो भारतीय इतिहास को वो जानना नहीं चाहते। कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट हुए, जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस देना, जम्मू कश्मीर अलग देश बनाना, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, जम्मू कश्मीर को भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास पावर आ गई तो आपने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया, आपने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया, आपने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये सारी बातें कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट के सामने उस समय कही। दो तीन प्रश्न जो कोर्ट के सामने थे वो क्या थे कि 370 को क्या टेम्परेरी था? कपिल सिब्बल साहब का कहना था ये टेम्परेरी नहीं था, केवल लिखा टेम्परेरी है, ये जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खत्म हो गई वहां की, उस समय ये परमानेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जवाब खुद ही दिया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, टेम्परेरी जो लिखा है वो परमानेंट कैसे हो सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जम्मू कश्मीर के खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भारत का संविधान ही रिजेक्ट हो गया, भारत के संविधान में कुछ नहीं किया जा सकता, भारत के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। और भारत के संविधान ने वहां कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका कहना था वहां कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, देश वो अलग देश की तरह ट्रीट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जानते ही नहीं है, और जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर यह डिसीजन हो चुका है कि वो क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने अनुमति दे रखी है इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति ना देता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने चूंकि अनुमति देकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को अलग से कोई स्टेटस नहीं दे सकते, वो इसका ही एक दूसरा बिगड़ा हुआ रूप है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरी बात यह आई कि भाई प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर यानी कि गवर्नर का रूल जब लगा हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात साफ है कि इससे पहले जो आर्गुमेंट सरकार की तरफ से आया उसने कहा कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। गवर्नर की पावर एब्सोल्यूट पावर होती है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनका कहना था कि देखिए इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन को पढ़ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन में पूरी पावर नहीं दे रखी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन वॉज अ थिंग ऑफ पास्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने से पहले उसका कोई स्टेटस था या नहीं था वो उससे पहले का था, उसके बाद का कोई स्टेटस हम उसका नहीं मानते। जैसे ही नया संविधान बना तो अब सब नए संविधान के अंदर हो गए, नए संविधान के अनुसार ही चलेंगे, अब इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इनका लगातार कहना था कि इंस्ट्रूमेंट सेशन के बाद जो कोविनेंट साइन हुए, इनका ये भी कहना था कि जो 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 जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अस्तित्व में है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो अस्तित्व में था, अब नहीं है। दूसरा स्टेट रिजॉर्नेशन एक्ट उस पर पास नहीं होता, तो उन्होंने कहा जब तक 370 था तब तक स्टेट रिजॉर्नेशन एक्ट नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद लग सकता है। इनके कोई भी आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट स्वयं काट रहा था। जैसे इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने फिर क्यों लिखा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है इसलिए लिखा हो कि 370 में के माध्यम से जो पावर वहां दी गई है उस पावर का कहीं इतना मिसयूज ना कर दिया जाए कि 370 की जम्मू कश्मीर को ही वो भारत का अंग ना मानना शुरू कर दें, इसलिए वो सेफ गार्ड के रूप में रखा गया होगा। इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो कुछ अलग है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे संकेत दिए हैं जिन संकेतों के माध्यम से वो ये कहना चाहते थे कि नहीं आर्टिकल 370 इज टेम्परेरी। अब बात जो जहां तक आती है स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पर फंस रहा है कि स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई कि भाई ये तो स्टेट है, स्टेट में आप किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से स्टेट में यूनियन टेरिटरी शामिल होती है, तो स्टेट बनाओ यूनियन टेरिटरी बनाओ, यूनियन टेरिटरी बनाओ स्टेट बनाओ, मिलाकर स्टेट बनाओ, तोड़कर स्टेट बनाओ, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाओ, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाओ, ये सब कुछ वो एक ही परिभाषा स्टेट की परिभाषा में आती है। अमित शाह जी ने भी अभी परसों के दिन पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि 370 पढ़कर देखो और ये भी देख लीजिए कि आर्टिकल 3 में जो बात कही गई है कि स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, इसलिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, उस केवल एडमिनिस्टर करने की एक प्रोसीजर मैकेनिज्म है, उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व तो नहीं। ये बात आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार संकेत दिए गए। अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 11 तारीख को यानी कि कल की तिथि 11 तारीख 11 दिसंबर सन 2023 को जजमेंट की डेट फिक्स की है, ऐसा संकेत मिला है। यह आवश्यक नहीं है कि हो ही जाए, क्योंकि कोर्ट कभी कभी एट रैंडम भी डिसीजन ले लेती है कि आज नहीं बैठेंगे या कल बैठेंगे, लेकिन अभी तक जो टेंटेटिव टाइम दिया है वो
वो 11 तारीख का दिया है। 11 तारीख को इसके निर्णय आने की फुल संभावना है। पांचों जजेस अपनी अपनी बात कहेंगे। अगर कुछ जजेस ने मिलकर कोई जजमेंट दिया है तो जिसने जजमेंट लिखा है भैया जो उसमें ची जो उसमें हेड होगा वो अपना जजमेंट खोलेगा, और अगर पांचों ने अलग अलग जजमेंट दिया है तो फिर पांचों लोग अपना अपना जजमेंट पढ़कर सुनाएंगे, उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। हालांकि पांचों जजेस के जो पुराने कमेंट हैं सुनवाई के समय पर, वो पांचों अपने आप में इंडिकेशन करते हैं, वो पांचों अपने आप में रास्ता बताते हैं और ये बता रहे हैं कि जजमेंट सरकार के पक्ष में, देश के पक्ष में आने वाला है। क्या होगा आगे ये तो कल हम लोग तय करेंगे, या कल मिलकर बैठकर सोचेंगे, या कोर्ट के डिसीजन के बाद कुछ आगे की वार्ता करेंगे, लेकिन अभी ऐसा संकेत आ रहा है कि जजमेंट 11 तारीख को होने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।